हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे BSc नर्सिंग क्या है। BSc नर्सिंग कोर्स व्यापक रूप से एक शैक्षणिक ढांचे के भीतर शिक्षा पर आधारित है, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में प्रस्तावित पेशेवर नर्सिंग और मिडवाइफरी के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण सोच कौशल योग्यता और मानक के विकास के लिए निर्देशित किया गया है। चूँकि इसमें नर्सिंग शामिल है, घायल या बीमार लोगों के लिए बहुत से क्षेत्रों को इन स्नातकों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी मांग बढ़ रही है, जो भविष्य में भी बढ़ने की उम्मीद है। भारत में पाठ्यक्रम पंजीकृत है और भारतीय नर्सिंग काउंसिल द्वारा नियंत्रित है। एक व्यक्ति जो वास्तव में मरीजों के इलाज और देखभाल करके समाज की सेवा करने में रुचि रखता है, उसे इस कोर्स को लेने से पहले दो बार नहीं सोचना चाहिए। एक नर्स के रूप में एक व्यक्ति लोगों के जीवन में एक बड़ा अंतर बनाता है। एक देखभाल और करुणामय नर्स रोगियों द्वारा एक अभिभावक परी के रूप में माना जाता है। यह दयालु के लिए एक बहुत ही संतोषजनक और संतुष्ट करियर हो सकता है। एक व्यक्ति नर्सिंग में एक मास्टर के लिए आगे जा सकता है, जो एक बड़ा फायदा है, क्योंकि इससे क्षेत्र में विशेषज्ञता बढ़ जाती है और अधिक मांग और बेहतर अवसर पैदा होते हैं। यदि कोई व्यक्ति शिक्षण में जानना चाहता है तो PhD की उनके लिए सलाह दी जाती है। BSc नर्सिंग टॉप इंस्टीट्यूट्स। निम्नलिखित तालिका भारत में कुछ शीर्ष संस्थानों को दिखाती है जो पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जैसे कि एक अखिल भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली, दो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेलोर, तीन आर्मेड फोर्स मेडिकल कॉलेज FMC पुणे, चार जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च JIPMIR पांडिचेरी, पाँच मद्रास मेडिकल कॉलेज MIMC चेन्नई, छः उच्च शिक्षा और अनुसंधान की JSS एकेडमी JSS विश्वविद्यालय मैसूर, सात गुरुवार गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय GGSIPU नई दिल्ली, आठ किंग जॉर्ज का मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ, नौ SRI रामचंद्र विश्वविद्यालय चेन्नई, दस सरकार चिकित्सा कॉलेज GMC अमृतसर। BSc नर्सिंग प्रवेश प्रक्रिया। BSc नर्सिंग प्रवेश पूरी तरह से अप्रैल जून के बीच आयोजित प्रवेश परीक्षाओं पर आधारित है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में भर सकते हैं। ऑनलाइन भरने के लिए उम्मीदवारों को संबंधित प्रवेश परीक्षा की व्यवस्थापक वेबसाइट पर जाना होगा और आवश्यकताओं को भरना होगा। इसके बाद पूरा फॉर्म का प्रिंटआउट निकालना है। अनिवार्य दस्तावेजों के साथ प्रिंटआउट और निर्दिष्ट राशि के DD को संबंधित परीक्षा निकाय को भेजने की आवश्यकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को शरीर या नामित केंद्रों से आयोजित परीक्षा से ब्रोशर के साथ फॉर्म प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और औपचारिकता समाप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।